सब्सक्राइब कीजिए खिजर स्टूडियो को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 4G इंटरनेट के बारे में कि 4G इंटरनेट आपके मोबाइल में क्यों नहीं चलता। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमारा मोबाइल 4G है, हमारी सिम भी 4G है, लेकिन हमारा मोबाइल में 4G चलता नहीं है, कि अवेलेबल नहीं है, क्या मसला है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग होते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारी सिम भी 4G है, क्या हमारी सिम 4G है और हमारा मोबाइल ही 4G है, लेकिन हमारा मोबाइल 4G को चलाता नहीं है, उसकी वजह क्या है। और आप में से बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि हमारी सिम भी क्या 3G है, क्या 4G है, क्या हमारा मोबाइल 4G को यानी कि चलाता नहीं है, क्या वजह है। तो बस आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपको वीडियो की समझ आ सके और आप पूरी जानकारी से 4G को इस्तेमाल कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी निशान को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको बताया कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल 4G होता है और सिम भी 4G होती है, लेकिन उनका जो मोबाइल में वो चलाते हैं लेकिन 4G का ऑप्शन नहीं आता, 4G उनके यानी कि उनका मोबाइल 4G को अवेलेबल नहीं करता, नहीं चलाता। तो उसकी वजह एक होती है कि उसकी एक सेटिंग होती है जिन यानी कि जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता, जैसे कि मुझे खुद नहीं पता थी, लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे पता चल दिया कि ये सेटिंग करो तो तब 4G अवेलेबल होता है। जैसे कि आपने कुछ नहीं करना, ना किसी एप्लीकेशन का यूज़ करना है, ना कुछ वेबसाइट का यूज़ करना है, बस आपने अपनी नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरह और आपको नीचे के ऊपर एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने मोर पे क्लिक करना है। आपके पास जो भी मोबाइल है, अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो आपने मोबाइल डेटा पे कनेक्ट करना है, यानी कि मोबाइल डेटा पे आपने यानी कि उसका प्रेस करना है तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है इनेबल 4G। देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर जो सर्विस है वो अभी H+ की आ रही है, यानी कि 3G के यानी कि छोटे लेवल की आ रही है, लेकिन अब जब मैं 4G पे क्लिक करूँगा जो मेरी सर्विस होगी वो 4G आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत से लोग होते हैं जो इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करते हैं, उनके मोबाइल में 4G नहीं चलता है। उसकी वजह ये होती है कि आप इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपने के पास जो भी मोबाइल है तो आपने इस 4G को इनेबल यहाँ से कर लेना है और आपने 4G की मज़े लेने हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि आप 4G ऊपर लिखा हुआ आ गया है कि अब जो नेट यूज़ हो रहा है 4G की सर्विस पर यूज़ हो रहा है। ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन आप इसे बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो आपने ये जान लेनी है। अगर आप सेटिंग में नहीं जा सकते तो आपने जस्ट नोटिफिकेशन बार को यहाँ से ऊपर से स्क्रॉल डाउन करना है, करने के बाद आपको नीचे यहाँ में ऑप्शन मिल जाता है 4G का, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको बात समझ आई, अच्छी लगी, इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी ट्रिक लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।